सो आज के दिन पे आने वाला था पुष्पा का भाई बड़ा अपडेट, और फाइनली मेकर्स ने भाई एक नहीं दो दो बड़ा बड़ा अपडेट दिया है। एक तो भाई रश्मिका मंदाना के इन लोगों ने पोस्टर को रिलीज किया, देन उसके बाद इन लोगों ने छोटे से एक वीडियो को रिलीज करा है, उसके जरिए इन लोगों ने बताया है कि अल्लू अर्जुन के बर्थडे से एक दिन पहले बड़ा तुम सबको धमाका देखने को मिलेगा, मीन्स टीजर देखने को मिलेगा। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि छोटे से वीडियो में ना बहुत कुछ इन लोगों ने दिखा दिया है। मतलब यह छोटे से वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर है सुकुमार सर काफ़ी बवाल वाला चीज़ बनाने वाले हैं। तो चलो फिर एक एक चीज़ पर हम लोग बात करते हैं, ये छोटे से वीडियो को ना भाई ब्रेक डाउन करेंगे, देन फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें हो रही है। सच बोल रहा हूँ यार, जब ही मैं ये सारी चीज़ों को देखा ना, एक्साइटमेंट मेरा एकदम सर चढ़ के बढ़ गया हुआ है। जब भी मैं तुम लोगों को ही बताऊंगा मैंने क्या क्या नोटिस करा है, तुम लोग अंदर भी एक्साइटमेंट बढ़ जाने वाली है। तो इसलिए भाई इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट में देखना, और अभी तक जो भी बालक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं रश्मिका मंदाना के सबसे पहले बोला पोस्टर पे। तुम लोग के स्क्रीन पे पोस्टर आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो जस्ट वही सिरवली है, बट हाँ इसमें सिरवली थोड़ी सी प्यारी लग रही है। पहले पार्ट में श्रीवल्ली उतनी ज्यादा प्यारी नहीं लग रही थी क्योंकि भाई अल्लू अर्जुन के पास बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं, उसके बाद शायद श्रीवल्ली के मेकअप पे पैसे खर्च करा होगा इसलिए इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है। बट नो डाउट यार अच्छी लग रही है। सो आज रश्मिका मंदाना का बर्थडे भी है, मेरे और मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से उनको हैप्पी वाला बर्थडे। सो अब बात करती है वीडियो पे कि वीडियो में ऐसा क्या देखने को मिल गया है भाई कि थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ गया है इस फिल्म को लेकर। ये वाला वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है, स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि अल्लू अर्जुन बुलेट से भाई कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है पूरे स्पीड में, तो बट उसके पीछे से एक आवाज आता है, गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार, गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। ये घटना ना 2004 की है, तिरुपति जेल से 2004 में पुष्पा कुछ पुलिस वाले उसे बगझड़ करके वहां से फरार हो गया हुआ है और वो काफी तेजी से भाग रहा है। देन उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि पुष्पा के जो सपोर्टर्स है वो लोग भाई धरना दे रहे हैं क्योंकि पुष्पा इन लोगों के लिए काफी अच्छा करा हुआ है। ये इस टाइप से ये फिल्म का थोड़ा बहुत थीम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है ना, मतलब गलत काम तो करता है इसके साथ साथ ये गरीब लोग की भी मदद करता है। सो इस वजह से इसको मीन्स पुष्पा को सपोर्ट करने के लिए लोग आए हैं और इन लोगों पर तिरुपति पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। देन उसके बाद कुल्हाड़ी वाला चीजें आती है जो अल्लू अर्जुन हमेशा पुष्पा पार्ट वन में रखता था, देन पुष्पा पार्ट टू में भी रख रहा है, वो कुल्हाड़ी हम सबको देखने को मिलता है, देन उसके बाद पुष्पा देखने को मिलता है मीन्स अल्लू अर्जुन देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है ना, पुलिस तो भाई पुष्पा को खोज रही है, इसके अलावा पूरी की पूरी नेशनल मीडिया भी पुष्पा को ढूंढ रही है, वेयर इज पुष्पा। सो ये चीज है ना, हम सबको 7 तारीख को पता चलेगा कि पुष्पा एक्चुअली में है कहाँ, अगर है भी तो क्या भौकाल मचा रहा है। 7 अप्रैल 4:05 पर शाम को यह फिल्म का टीजर आने वाला है। इसके अलावा जैसे ही वीडियो खत्म होता है ना उसके बाद ना बहुत ही तगड़ा एक स्टेटमेंट हम सबको देखने को मिल रहा है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हंट बिफोर द रोल, मतलब हूल करने से पहले एक गंदा वाला शिकार करने वाला है ऐसा लग रहा है भाई। इस बार ना पुष्पा वन से ना ज्यादा बड़ा धमाका होने वाला है। सर मैं तुम लोगों को बता दूं, जैसे ही थोड़ी देर पहले ना सिरवली का पोस्टर को रिलीज करा गया हुआ था क्योंकि आज रश्मिका मंदाना का बर्थडे है, देन उसके थोड़ी देर बाद पुष्पा के मेकर्स ने ये वाला वीडियो को रिलीज करा है। अब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आज सिरवली का बर्थडे इसलिए भाई पुष्पा जेल से फरार हो गया कि नहीं मैं जाके अपनी सिरवली का बर्थडे को विश करूंगा, ऐसा मेरे को लग रहा था यार। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग इस पे क्या कहना है, और वैसे सिरवली भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही है, बट तुम लोग 7 तारीख के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और ये छोटी से वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट तो बढ़ रहा है यार कि सुकुमार सर भाई राइटिंग पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये छोटे से वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत ना स्टोरी समझ में आ रही है। स्टोरी मेरे वैसे ऐसा हो सकता है कि पुष्पा ने जो पहले पार्ट में कांड करा था पुलिस के साथ ही बहुत बार इसका झगड़ा हो चुका था, सो इस वजह से पुलिस इसको भाई पकड़ के लेके जाती है और इसमें सपोर्ट करता है पुष्पा का जो अपोजिट वाला गैंग था मीन सुनील सर का जो गैंग था वो भाई सपोर्ट करता है पुलिस को, इस वजह से भाई पुष्पा जेल में जाता है। फिर वो लोग कुछ ऐसा चीजें कर रहे होंगे वो गैंग वाले या फिर पुलिस वाले जिस वजह से पुष्पा भाई जेल से फरार हो जाता है। फिर उसके बाद पुष्पा ये लोगों से बदला लेगा पुलिस से और साथ साथ ये वाले गैंग लोगों से। एक चीज और मैं तुम लोगों को बता दूं, जितना मैं सिंपल तुम लोगों को बता रहा हूं इतना भी सिंपल नहीं हुआ क्योंकि सुकुमार सर है भाई, कोई भी ये स्टोरी को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर दे, इसलिए इन पे भाई मुझे ट्रस्ट है कि हाँ सुकुमार सर आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीजें वो लेके जरूर आएंगे, यूनिक चीजें तो भाई लेके आने वाले क्योंकि सुकुमार सर ने खुद बोला हुआ है कि ये पुष्पा पार्ट टू पे ना लोग अपनी नजरें टिका के बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम लोग ना किसी एंगल से कोई भी एक गलती नहीं करना चाहते क्योंकि पहले पार्ट से जितना हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे उससे ज्यादा लोगों ने प्यार दिया हुआ है,
तो यहाँ लोगों का प्यार का वैल्यू हम लोग को पता है। सो इस वजह से कि हम लोग दूसरे पार्ट में कोई भी गलती नहीं करना चाहते और लोग जितना उम्मीद लगा के बैठे हैं उससे हम लोग एक आध कदम आगे लेके जाके इस फिल्म को लेके आने वाले हैं। बाकी तो भाई ऐसा लग रहा है कि दूसरा पार्ट आने के बाद बॉक्स ऑफिस को फाड़ कर रख देने वाली है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पुष्पा 2 को लेकर ना दीवानगी बहुत ज्यादा है, खासकर हिंदी बेल्ट वाले लोग पगलाए हुए हैं इस फिल्म को देखने के लिए। तो भाई 7 तारीख को कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो आने ही वाला है 4:05 पे। ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मैन ये धमाका के लिए। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।